हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज महेंद्र पांडे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे केसीआई टैली स्पेशलिस्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि टैली में हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, टैली में हम उसकी उसके पार्ट्स, पार्ट ऑफ विंडो को हमने जाना, टैली में कंपनी हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें डियर स्टूडेंट्स हमने जाना। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम ये जानेंगे कि टैली में हम अगर कंपनी बना चुके हैं तो उसे हम उसमें सुधार कैसे करते हैं, टैली को अल्टर कैसे करेंगे, सुधार कैसे करेंगे, टैली का अगर हम अपनी कंपनी का कहीं भी बैकअप लेना चाहते हैं तो हम कैसे बैकअप लेंगे, कंपनी बैकअप ली हुई अगर मेरी कंपनी डिलीट है, बैकअप मेरे पास अवेलेबल है तो उसे हम रिस्टोर कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टैली में अगर हमने वैल्ड पासवर्ड डाल रखा है तो टैली वैल्ड पासवर्ड को हम कैसे चेंज करेंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कंपनी इन्फो से रिलेटेड डियर स्टूडेंट्स बताएंगे हम आप लोगों को इस क्लास में, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लास्ट तक, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे टैली क्लास का नॉलेज और लोगों को भी हो पावे। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स की, मेरी जितनी भी पिछली वीडियोस हैं सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखता हूं, जिससे आपको वीडियो प्राप्त करने में बड़ी सुविधा होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट, जहां मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमारे स्क्रीन पर टैली ओपन है। और आज का जो टॉपिक है, मैंने बताया अभी आप लोगों को, कंपनी अल्टर करना, कंपनी को डिलीट करना, कंपनी में टैली वर्ल्ड चेंज करना, टैली वर्ल्ड न्यू डालना, उसे रिमूव करना तथा कंपनी का बैकअप लेना और रिस्टोर करना। स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले सीखते हैं टैली कंपनी को हम अल्टर कैसे करते हैं, क्योंकि हम कंपनी क्रिएशन, पिछली वीडियो में अपने कंपनी क्रिएशन, टैली इंस्टॉलेशन, पार्ट ऑफ विंडो टैली का, ये सारा कुछ सीख चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिसने भी ना देखा हो वीडियो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर के देख सकता है। अब हम देखते हैं कंपनी को हम अल्टर कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने दिख रहा है केसीआई टैली स्पेशलिस्ट नाम की कंपनी ओपन है। डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं कंपनी को अल्टर करने के लिए, हमें कहाँ जाना होगा, कंपनी इन्फो जाना होगा। डियर स्टूडेंट्स, कंपनी इन्फो को डायरेक्टली हम क्लिक करके भी जा सकते हैं या फिर अल्ट प्लस F3 हम कर दें तो हम कंपनी इन्फो पर पहुंच जाएंगे। अब हम कंपनी में अल्टर करना चाहते हैं, आप देख पा रहे हैं एरो की से या डाउन एरो की से हम अल्टर पर आ गए। आपको मैंने बताया कि यदि हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसको सिलेक्शन करने पर जो रेड कलर का कैरेक्टर रेड हो जाता है वो उसका शॉर्टकट है, तो अगर हम A प्रेस कर देंगे तो अभी हम अल्टर कंपनी पर आ जाएंगे। किस कंपनी को हमें अल्टरेशन करना है, KCI टैली स्पेशलिस्ट, हम एंटर करते हैं इस पर और आप देख पा रहे हैं कि विंडो आपके सामने, कंपनी अल्टरेशन की विंडो आपके सामने आ गई। जैसे हमने कंपनी क्रिएशन किया है स्टूडेंट्स, वैसे ही कंपनी अल्टरेशन है। अल्टरेशन का मतलब इसमें हम कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, अल्टर करना मतलब उसमें सुधार करना, अगर हम कुछ उसमें परिवर्तित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या हम यहीं से कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो कंपनी को हम डिलीट भी कर सकते हैं, यहीं अल्ट प्लस डी कर देंगे तो कंपनी डिलीट हो जाएगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर KCI टैली स्पेशलिस्ट में, अगर मान लीजिए इसमें हमको कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर हम फ़ोन नंबर नहीं डाले हैं, फ़ोन नंबर हम डाल देते हैं, ये मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया। डियर स्टूडेंट्स, और कुछ वैसे विशेष चेंज नहीं करना है। मान लीजिए हमने फाइनेंशियल ईयर अपना डाल रखा है, हम फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 है इसमें, और हम इसको, और इसमें बुक बिगनिंग भी 1 अप्रैल 2020 है, हम बुक बिगनिंग को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। जैसे आज 1 जून है तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 1/6/2020। बुक बिगनिंग जो है डियर स्टूडेंट्स, बुक बिगनिंग मींस जो हम बुक कीपिंग करना स्टार्ट करते हैं जिस दिन से मेरी कंपनी स्टार्ट होती है, अगर मान लीजिए मेरी न्यू कंपनी है तो हम यहाँ बुक बिगनिंग चेंज करेंगे। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर से हमें देखना है तो मेरा फाइनेंशियल ईयर भी वही होगा और बुक बिगनिंग डेट भी वही होगा। डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ हम जो सिक्योरिटी कंट्रोल वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट अभी हम टैली वर्ल्ट आपको करके दिखाएंगे। यहाँ मैं कंपनी को अल्ट्रेशन कर रहा हूँ, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हम चेंज कर रहे हैं, चेंज करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारी कंपनी अल्टर हो गई, मतलब इसमें हमने परिवर्तन कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब मेरी कंपनी सेव हो गई, हम बैक करके आ जाएंगे। वही कंपनी है मेरी, हम यहाँ जा करके सेलेक्ट करके देखें तो जो टैली स्पेशलिस्ट कंपनी है यहाँ पर, हम एक कंपनी और भी यहाँ चुन लेते हैं, चूँकि अभी हम हमको कंपनी डिलीट करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो अब आप देख पा रहे हैं दो कंपनी यहाँ पर सेलेक्टेड है, बट एक्टिवेटेड जो होता है वही कंपनी आपका जो यहाँ डार्क में हाईलाइटेड दिखता है वही कंपनी आपकी एक्टिव होती है, टैली स्पेशलिस्ट। इसमें हम टॉगल करना चाहते हैं तो हम ABC ट्रेडिंग कंपनी पर क्लिक करेंगे तो ABC ट्रेडिंग कंपनी आ जाएगा। KCI टैली स्पेशलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो KCI, मतलब टॉगल करने के लिए हम माउस पॉइंटर से क्लिक करके कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं, हमें डिलीट करना है कंपनी को तो हम फिर से अल्टर पे जाएंगे और हमें डिलीट करना है ABC ट्रेडिंग कंपनी को। एंटर करेंगे हम, अल्ट्रेशन विंडो पर फिर से आ गए। अगर मैं इसे डिलीट करना है तो Alt+D हम प्रेस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और हम यहां से चाहे S करा दें चाहे हम फिर से एंटर कर दें। ये पूछ रहा है कि आप आश्वस्त हैं कि आपको कंपनी डिलीट ही करना है क्योंकि आपके डेटा सब इरेज हो जाएंगे, तो हम यस कर देते हैं चूँकि हम डिलीट कर रहे ही आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी कंपनी डिलीट हो गई। आप देख पाएंगे सेलेक्शन में हम चले जाएंगे, सेलेक्शन में आप देखेंगे यहाँ से ABC ट्रेडिंग कंपनी रिमूव हो चुकी है। तो ये होता हमारा टैली कंपनी को अल्टर करना तथा कंपनी को डिलीट करना। हम अगला टॉपिक देखते हैं टैली वर्ल्ट। टैली वर्ल्ट पर हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, टैली वर्ल्ट हम लगाएंगे। जैसे इसमें देख पा रहे हैं आप, कुछ कंपनियाँ ऐसी दिख रही हैं जहाँ कंपनीज का नेम नहीं आ रहा है और इधर कोई फाइनेंशियल ईयर हाईलाइट नहीं कर रहा है, बट उसका केवल नंबर शो कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ स्टार स्टार दिख रहा है, कहने का मतलब ये जो कंपनियाँ हैं इन सब पर पासवर्ड लगा हुआ है, ये सब प्रोटेक्टेड कंपनियाँ हैं, मतलब टैली वर्ल्ट लगा हुआ है इसमें। हम चलते हैं टैली वर्ल्ट को हम कैसे लगा, नया कैसे उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम उसको उसका पासवर्ड चेंज करते हैं और कैसे हम उसे रिमूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं, आप देख रहे हैं कि जो टैली स्पेशलिस्ट कंपनी है मेरी, इस पर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ है अभी। हम चलते हैं चेंज टैली वर्ल्ट, यहाँ से हम चेंज टैली वर्ल्ट पर जाएंगे और यहाँ से हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट करेंगे इसे। अब आप देख पा रहे हैं कि चेंज टैली वर्ल्ट पासवर्ड ऑप्शन आपका एक डायलॉग आ गया है जिसमें कंपनी का नेम लिखा हुआ है, टैली KCI टैली स्पेशलिस्ट, जो मेरा यूट्यूब चैनल भी है डे स्टूडेंट्स इसी नाम से। जिसको भी मेरी क्लासेस को सारी वीडियोस देखनी है वो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। अब हम चलते हैं न्यू पासवर्ड देते हैं डे स्टूडेंट्स, यहाँ पर चूंकि पासवर्ड लगा नहीं है तो यहाँ हम पासवर्ड देते हैं, हम कोई भी पासवर्ड इसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कोई पासवर्ड इसमें हम लगा देते हैं। जो न्यू पासवर्ड में हमने डाला वही हमें रिपीट पासवर्ड में भी डालना होगा डे स्टूडेंट्स। इसके बाद हम फिर एंटर करते हैं, एंटर करते ही ये चेंज लिख करके आ गया, कहने का मतलब आपकी टैली में चेंज हो रहा है, मतलब उसमें परिवर्तन हो रहा है और जो आपने टैली वर्ल्ड लगा दिया है टैली वर्ल्ड लग करके आ गया। एंटर कर देंगे, टैली वर्ल्ड लगने पर डियर स्टूडेंट्स कंपनी का नेम नहीं आएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ कि यदि हम टैली वर्ल्ड में चाहे हम न्यू पासवर्ड लगाएं, चाहे हम पासवर्ड को चेंज करें, चाहे हम पासवर्ड को रिमूव करें, जितनी बार हम ये काम करेंगे उतनी एक नई कंपनी आपकी ओपन होकर के आ जाएगी, एक नई कंपनी कॉपी कंपनी उसकी आ जाएगी, जिससे आप पुरानी कंपनी जिस पर इम्प्लीमेंट किया आपने उस कंपनी को आप डिलीट कर दें, कोई इशू नहीं है उससे। आप देख पा रहे हैं क्रिएट न्यू कंपनी 10062 ये कंपनी नेम है, ये जो इन्फॉर्मेशन आया है हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम जा करके इसको क्या करते हैं, टैली KCI टैली स्पेशलिस्ट चैनल को हम सॉरी KCI टैली स्पेशलिस्ट कंपनी को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए मतलब इसको हम यहाँ से रिमूव करने का क्या है, इसको हम बंद करेंगे, सेट करेंगे। सेट करने का शॉर्टकट होता है डियर स्टूडेंट, चाहे हम यहाँ बटन बार पर जा करके यहाँ से क्लिक करें या फिर Alt+F1 कर दें हम, तो मेरी कंपनी डायरेक्टली सेट हो जाएगी। आपने देखा कि मैंने नया पासवर्ड कैसे लगाया। अब हम चलते हैं चेक करते हैं कि न्यू पासवर्ड लग गया स्टूडेंट। अब हम चलते हैं कंपनी को ओपन करेंगे जिस कंपनी में मैंने पासवर्ड दे रखा है, सेलेक्ट कंपनी पर जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ से सेलेक्ट कंपनी पर जा करके यहाँ से हम कंपनी पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम वो पासवर्ड देंगे जिस पासवर्ड से हमने इसको ओपन करा था। देखिए मेरी कंपनी ओपन होकर के आ गई जिस पर मैंने पासवर्ड इम्प्लीमेंट किया था।
अब हम चलते हैं, इसका हमें पासवर्ड चेंज करना है डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैंने एक न्यू पासवर्ड लगा लिया। अब हम इस पासवर्ड को चेंज करके दिखाते हैं आप लोगों को। उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, हमें पुनः कंपनी इन्फो पर जाना होगा, जिससे हम अल्ट प्लस F3 करना पड़ेगा हमें। वहाँ से स्टूडेंट हम जाएंगे चेंज टैली वर्ल्ड पर हम आएंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे चेंज टैली वर्ल्ड पासवर्ड आ गया है, KCI टैली स्पेशलिस्ट नाम का कंपनी ओपन है। एंटर करते हैं डियर स्टूडेंट, चूंकि इसमें पहले से पासवर्ड लगाया जा चुका है, तो यहाँ पहले करेंट पासवर्ड मांग रहा है, तब आप चेंज कर पाएंगे। करेंट पासवर्ड क्या था, जो भी हमने डाला था वो हम यहाँ डाल देंगे। एंटर करेंगे, अब यहाँ पर हमें न्यू पासवर्ड देना होगा डियर स्टूडेंट, चूंकि लिखा हुआ है न्यू पासवर्ड, यहाँ पर हम कोई भी न्यू पासवर्ड यहाँ दे देंगे। एंटर करके हम नेक्स्ट पर जाएंगे, रिपीट न्यू पासवर्ड, जो पासवर्ड हमने दिया सेम वही पासवर्ड हम दोबारा रिपीट करेंगे डियर स्टूडेंट, और फिर हम एंटर कर देंगे। एंटर करते ही चेंज लिख करके आया, हम कहने का मतलब मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ क्रिएट कंपनी में, जो कंपनी नई मैंने बताया कि जैसे हम नया पासवर्ड चेंज करेंगे या नया पासवर्ड लगाएंगे तो एक नई कंपनी बन करके आ जाएगी। अब हमारी जो नई कंपनी बन के आई 10126 इस नाम से हमारी कंपनी बन करके आ गई। इस पर हम चलते हैं, देखते हैं डियर स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं। हमने क्या किया, न्यू पासवर्ड भी लगाया और चेंज करके भी देख लिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, चलते हैं इसको ओपन करना, तो हम यहाँ से पहले सेट करते हैं और हम चलते हैं सेलेक्ट कंपनी पर और अपनी कंपनी को हम यहाँ से चुनते हैं। एंटर करते हैं डियर स्टूडेंट और वही पासवर्ड डालते हैं जो मैंने वहाँ डाला अभी चेंज करके। आप देख पा रहे हैं KCI टैली स्पेशलिस्ट नाम का ओपन होकर के आ गया कंपनी। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने न्यू पासवर्ड भी डाल के देख लिया, चेंज करके भी देख लिया, अब हम इसे रिमूव करके देखते हैं डियर स्टूडेंट। हम चलते हैं टैली वर्ल्ड पर, टैली वर्ल्ड पासवर्ड चेंज पर जाएंगे, चेंज टैली वर्ल्ड पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। हम पुनः उसी स्क्रीन पर आ गए, चेंज टैली वर्ल्ड पासवर्ड, एंटर करके नीचे आते हैं। करेंट पासवर्ड जो मेरा है डियर स्टूडेंट्स वही हम यहाँ डालेंगे। न्यू पासवर्ड के लिए हम आएंगे तो हमें पासवर्ड रिमूव करना है, हमें कोई न्यू पासवर्ड नहीं डालना है। तो एक वार्निंग दे रहा है, मेकिंग द न्यू पासवर्ड ब्लैंक विल रिमूव द एनक्रिप्शन फ्रॉम योर डाटा। जो आपने पासवर्ड अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो जो पासवर्ड आप डाल रहे हो वो रिमूव हो जाएगा, फिर कोई पासवर्ड इसमें लगा नहीं रह जाएगा। और हम क्योंकि हम जा रहे हैं रिमूव करने ही, तो हम यहाँ रिमूव करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, रिपीट न्यू पासवर्ड को भी ब्लैंक कर देंगे और आप देख पाएंगे डियर स्टूडेंट्स कि हमारा पासवर्ड रिमूव हो गया होगा। अब हमारी कंपनी 10127 नंबर के नाम से आ गई। हम इसे आपका क्या कहते हैं, इसे हम सेट कर लेंगे जो पहले से कंपनी ओपन है। हम चलते हैं अपनी कंपनी ओपन करते हैं। 126 तो यहाँ पासवर्ड तक लगा है, अब वन हम चलेंगे 127 करके था ये कंपनी, देखिए टैली स्पेशलिस्ट, चूँकि मैंने पुरानी कंपनी डिलीट नहीं की थी स्टूडेंट्स, इसलिए हमारा KCI टैली स्पेशलिस्ट पुरानी 10125 है और जो मैंने लास्ट में अभी रिमूव पासवर्ड करके ओपन किया है वो मेरा है KCI टैली स्पेशलिस्ट 10127। जब हमने पासवर्ड को रिमूव कर दिया तो आप देख पा रहे हैं कंपनी का नेम भी आ गया और कंपनी का फाइनेंशियल ईयर भी शो करने लगा। हम इसको ओपन करते हैं, ये हमारी कंपनी ओपन होकर के आ गई डियर स्टूडेंट। तो ये था टैली वर्ल्ड, आपने देखा मैंने कैसे न्यू पासवर्ड लगाया, लगाए हुए पासवर्ड को मैंने चेंज कैसे किया और फिर उसको हमने रिमूव कैसे किया, ये तीनों तरीके से मैंने उसको करके दिखाया आपको। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स कंपनी का बैकअप। हमने बोला था इस में आपको बैकअप और रिस्टोर, कंपनी अल्टर करना, टैली वर्ल्ड चेंज करना, बैकअप लेना और रिस्टोर करना, ये सारी चीज़ें हम इसमें बताने वाले थे आपको। सो हम यहाँ आ गए हैं डियर स्टूडेंट्स, हम एंटर करके आते हैं बैकअप पर, एरो की से आएंगे या फिर पॉइंटर से आएंगे। अब यहाँ बी है, बैकअप का क्या मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स, बैकअप का मतलब होता है अपने जो मेरा एग्जैक्ट पाथ है टैली का, जहाँ मेरी कंपनियाँ स्टोर्ड होती हैं, वहाँ से हम अपनी कंपनी का अलग ड्राइव में बैकअप ले सकते हैं। जैसे आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में, आपके PC में कई सारी ड्राइव बनी होती है डियर स्टूडेंट्स, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो अपने चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट टैली आपके सी ड्राइव में जा करके स्टोर्ड हो जाता है डेटा नाम की डायरेक्टरी में,
तो वहां से आप उसको डी ड्राइव में या सी ड्राइव में या सॉरी डी ड्राइव में या ई ड्राइव में एफ ड्राइव में जहां भी आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, जहां भी उसका आप बैकअप लेना चाहते हैं, तो बैकअप के द्वारा आप वहां ले सकते हैं, जिससे भविष्य में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहां से अपनी कंपनी को दोबारा रिस्टोर कर पाएं। तो हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं बैकअप। बैकअप पर क्लिक करते हैं और आप देख रहे हैं एक डायलॉग आ गया टैली में, यहाँ बैकअप कंपनीज ऑन डिस्क, आपकी डिस्क में जो कंपनीज है उसको आप डिस्क बैकअप ले सकते हैं उसका। सेलेक्ट कंपनीज टू बैकअप, कंपनीज लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मतलब एक से ज़्यादा कंपनी को हम का बैकअप एक साथ ले सकते हैं। तो हम चलते हैं, यहाँ नीचे लिखा है सोर्स, सोर्स मतलब होता है स्रोत, जहाँ से टैली, जहाँ से हम उसको उठा करके अलग जगह पर ले जाएंगे, तो जहाँ इसका जो एग्जैक्ट पाथ है, जो मेन इसका पाथ है, जहाँ पर आपका टैली की कंपनी स्टोर्ड है डियर स्टूडेंट, c:\users/public/tally.erp9/data, यहाँ आपकी कंपनी डेटा नाम के फोल्डर में पहले से स्टोर्ड है। उस स्टोर्ड कंपनी को हम, उसका बैकअप हम अलग डेस्टिनेशन में लेना चाहते हैं, अलग ड्राइव में ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए डेस्टिनेशन पाथ हमें चेंज करना, चूंकि सी ड्राइव यहाँ भी लिखा हुआ है तो इसका डेस्टिनेशन पाथ हमें चेंज करना डियर स्टूडेंट। हमारे इस लैपटॉप में डियर स्टूडेंट्स डी नहीं है, ई और एफ है, डी बाई डिफॉल्ट हमारे में राइटर के लिए बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसको ई में ले लेते हैं। हम यहाँ करते हैं ई ड्राइव कोलन स्लैश, एक चीज़ मैं और बता दूँ डियर स्टूडेंट, यहाँ अगर हम कोई फोल्डर चुन लेते हैं तो डायरेक्ट आपका बैकअप उसी फोल्डर में जाता है, और अगर हम फोल्डर नहीं चुन रहे हैं, हम चाहते हैं कोई मैं यहीं से फोल्डर बना लूं, अगर हम चाहते हैं कि हम यहीं से फोल्डर बना लें, तो उस जिस नेम से हमें फोल्डर बनाना है, उस जिसमें हमें बैकअप लेना है, वो हम यहाँ से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बैकअप नाम का ही फोल्डर बना लिया, बैकअप, जबकि हम फोल्डर नहीं बना रहे, हम केवल यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक फोल्डर जनरेट होकर के उसमें आपका बैकअप कंपनी स्टोर्ड हो जाएगी डियर स्टूडेंट। हम यहाँ एक स्लैश जरूर लगाएंगे जिससे आपकी कंपनी आपके इसी फोल्डर में जाकर के सुरक्षित हो पावे। अब हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं, और जिस कंपनी का हमें बैकअप लेना है डियर स्टूडेंट, उस कंपनी का हम बैकअप यहाँ से ले सकते हैं। हम देखेंगे कोई भी कंपनी का हम बैकअप ले सकते हैं, हम अपने KCI टैली स्पेशलिस्ट कंपनी का ही बैकअप ले लेते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ से हम एंटर करते हैं, और एक से ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, बट हम एक करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ से चलते हैं एंड ऑफ लिस्ट और एंटर कर देते हैं, हमारी कंपनी का बैकअप बन गया डियर स्टूडेंट्स। हम चेक करना चाहते हैं तो हम जा करके यहाँ से ई ड्राइव में जाएंगे, उसे बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को दिखने लगे। देखिए इसमें बैकअप नाम का एक फोल्डर बन करके आ गया डियर स्टूडेंट, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये मेरी कंपनी आ गई, इसमें पहले से भी बैकअप लिया जा चुका है। देखिए ये कंपनी TBK900 करके है, 10127 यही मेरी कंपनी थी, जो दो कंपनियां हैं इसमें, हम चाहेंगे तो दोनों को रिस्टोर कर सकते हैं। हम एक है या एक करेंगे, चूँकि पहले से बैकअप लिया गया है कंपनी का, और चूँकि ये इस पर मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम में पढ़ाता हूँ डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं। ये प्रोसेस जो मैंने किया ये बैकअप था डियर स्टूडेंट, बैकअप का मतलब हो गया, देखिए सी से फाइल को हमने अपने ई फोल्डर में, ई ड्राइव में ला करके व्यवस्थित कर दिया, मैंने ई ड्राइव में उसका बैकअप ले लिया डियर स्टूडेंट। हम चलते हैं पुनः टैली पर, हम आ जाएंगे डियर स्टूडेंट। तो ये था बैकअप, बैकअप का मतलब होता है अपने टैली में जहाँ मेरा एग्जैक्ट लोकेशन है डियर स्टूडेंट, टैली के डेटा डायरेक्टरी में जो फाइल मेरी सेव है, जो मेरा कंपनी सेव है, उसे हम किसी अलग लोकेशन में, किसी अलग ड्राइव में ले जाकर के सुरक्षित रख सकते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स बैकअप। बैकअप के बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें वही कंपनी अपनी इसमें लानी है तो हम रिस्टोर करते हैं डियर स्टूडेंट। रिस्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम चाहें तो डायरेक्ट जैसे हमारी कंपनी है उसी पर हम रिस्टोर कर लें, अगर हम ऐसा करते हैं तो ओवरराइट करने के लिए बोलेगा कि उसमें आपके प्रोग्राम ओवरराइट, अगर हमारे कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई है तभी हमको रिस्टोर करने की आवश्यकता है, तो हम ओवरराइट भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, बट हम चाहें तो हम कंपनी को डिलीट करने के बाद भी रिस्टोर करके दिखा देंगे आपको। तो सबसे पहले हम आपको यही दिखाते हैं, पहले हम कंपनी को चलते हैं डिलीट कर देते हैं, फिर हम आपको रिस्टोर करके दिखाते हैं डियर स्टूडेंट। अल्टर में चले जाएंगे,
केसीआई टैली स्पेशलिस्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं डियर स्टूडेंट। स्टोर कैसे हैं वहाँ कंपनी हमारे टैली डेटा से डिलीट भी हो जाने पर अगर हमने उसका बैकअप ले रखा है पहले से तो हम रिस्टोर करने पर वो कंपनी हमारे पास आ जाएगी डियर स्टूडेंट। तो हम चलते हैं रिस्टोर कर लेते हैं, रिस्टोर पर आ जाएंगे। आप देखेंगे लिख करके आ गया सेलेक्ट कंपनीज टू रिस्टोर। डियर स्टूडेंट सेलेक्ट कंपनीज टू रिस्टोर लिख करके आ गया है, इसमें लिखा है डेस्टिनेशन एंड सोर्स। आपने बैकअप में देखा डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर पहले लिखा था सोर्स और फिर लिखा था डेस्टिनेशन, इसमें जस्ट उल्टा है, पहले डेस्टिनेशन है और फिर सोर्स है। कहने का मतलब ये है कि डेस्टिनेशन में जहाँ हमें ड्राइव जिस ड्राइव में या जिस डायरेक्टरी में ले जा करके हमें अपनी कंपनी को फिर से सेव करना है वो डेस्टिनेशन है, जहाँ पर हमारी ये बैकअप जब हम रिस्टोर करेंगे तो जो कंपनी हम रिस्टोर करेंगे वो कहाँ जा करके सेव होगी वो डेस्टिनेशन में उसका एग्जैक्ट पाथ दिखा रहा है। /users/public/tally.erp9/data यहाँ हमारी कंपनी रिस्टोर करने के बाद सेव हो जाएगी जो इसका एग्जैक्ट लोकेशन होता है टैली का। और सोर्स क्या है डियर स्टूडेंट, सोर्स जहाँ से हम फाइल को उठाएंगे, फाइल मेरी जहाँ पर पहले बैकअप ले रखे हैं वहाँ से जब हम फाइल लाएंगे तो मेरा सोर्स तो सोर्स होगा, सोर्स से हम डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। तो सोर्स मेरा क्या है /backup, बैकअप नाम का जो फोल्डर है वो मेरा सोर्स है जो कि बैकअप में जितनी भी कंपनियां हैं डियर स्टूडेंट वो यहाँ पर शो हो रही हैं। अब हम चाहें तो दोनों को हम कर सकते हैं, सिंगल को भी कर सकते हैं, हम दोनों को करके दिखा देते हैं डियर स्टूडेंट। अब आप देखेंगे इसके लिए हम क्या करते हैं टैली स्पेशलिस्ट को भी हम यहाँ एंटर कर लेते हैं, इसके बाद हम अंकित को भी यहाँ से एंटर करके ले लेते हैं डियर स्टूडेंट। इसके बाद हम क्या करते हैं एंड ऑफ लिस्ट करते हैं और जैसे ही हम एंटर करेंगे कंपनी हमारी अलग लोकेशन से हमारे टैली में रिस्टोर हो जाएगा। एंटर। अंकित कंपनी को जो हम स्टोर कर रहे थे रिस्टोर कर रहे थे क्योंकि वो पहले से अवेलेबल है कंपनी में तो वो आपका इसमें ओवरराइट हो रहा है, उस पर जो मैं पहले बताना चाह रहा था आप लोगों को मैंने इग्नोर करा था वही चीज जान लीजिए रिस्टोर करने पर हो गया। स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं कि हमारी कंपनी रिस्टोर होकर के आ गई तो उसके लिए हम क्या करते हैं चलते हैं हम सेलेक्ट कंपनीज में एंटर करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि अंकित नाम की कंपनी जिसे मैंने रिस्टोर करा वो पहले से अवेलेबल थी इसलिए इसको कॉपीराइट ओवरराइट करने के लिए मांगा, बट मेरा केसीआई टैली स्पेशलिस्ट नाम की कंपनी इसमें से मैंने डिलीट कर रखा था जो हम चेक करते हैं कि आया कि नहीं आया। अब हम देखेंगे तो एक केसीआई टैली स्पेशलिस्ट नाम की कंपनी आ गई जिसे हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं यदि मेरा कंपनी मेरी टैली सी ड्राइव ही डिलीट हो जाए डियर स्टूडेंट, अगर हमने उसका बैकअप अलग ले रखा है तो हमारी इंपॉर्टेंट जो कंपनी में डेटा होंगे वो कंपनी के साथ हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा टैली कंपनी को हम कैसे अल्टर करते हैं, कैसे कंपनी को हम डिलीट करते हैं, कैसे हम टैली वर्ल्ड को हम न्यू पासवर्ड देते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं कैसे न्यू पासवर्ड, कैसे हम चेंज करते हैं पासवर्ड को और कैसे हम पासवर्ड को रिमूव करते हैं। उसके आगे आपने देखा कि हम कंपनी का बैकअप कैसे ले सकते हैं अलग ड्राइव में अलग लोकेशन में डियर स्टूडेंट्स, एंड आप लोगों ने सीखा कि रिस्टोर हम कैसे कर सकते हैं जो मेरी कंपनी किसी कारण से अगर डिलीट हो गई या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो जहां मैंने लोकेशन में बैकअप ले रखा है वहां से हम कंपनी को पुनः रिस्टोर कर सकते हैं, दोबारा अपने कंपनी में अपने टैली में ला सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में बस इतना, नेक्स्ट डे में मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे तभी आपको सारी वीडियोस मिल पाएंगी, नोटिफिकेशन न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें डियर स्टूडेंट्स, और शेयर करना न भूलें क्योंकि शेयर करने से ज़्यादा लोग इस क्लास का लाभ ले पाएंगे डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना डियर स्टूडेंट, गुड डे।